हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस क्लास 6 की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 26, इंग्लिश मीडियम में। टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अर्ली सिटीज, यानी पहले कैसे सिटीज बनी थी, किस तरह से उनकी फॉर्मेशन थी वो हम पढ़ेंगे। तो आपने ये वर्ड सुना ही होगा, नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन, सुना है ना आपने? यस। तो आज हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में ही जानेंगे। देखिए, पहले वर्कशीट में हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ दैट वी नो पास्ट, ठीक है। पास्ट बिल्डिंग के बारे में जाना, स्टेच्यूज के, थिंग्स के बारे में जानने के सोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज की वर्कशीट में हम लोग क्या जानेंगे कि वहां के जो लोग थे, पहले जो एंशियंट सिटी थी, प्राचीन टाइप की सिटी थी, उसमें लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा था और वो सिटीज कहाँ कहाँ थी। तो आप ये देख सकते हैं, देखिए ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का है सारा। मैं सेंट्रलाइज कर देती हूँ, मार्किंग कर रही हूँ, हड़प्पा ये सिटीज है, ठीक है। राखीगढ़ी दिख रहा है ना, कालीबंगन, गंडेरवाल, मोहनजोदारो मेन है, और चहुंदड़ो, धौलावीरा एंड लोथल, ये सारे आप याद रखिएगा और देखेंगे ध्यान से आप। तो ये इंडिया और पाकिस्तान, आप दिख रहे हैं ना, ये इंडिया का एरिया है, गुजरात का देख रहे हैं आप, ये गुजरात का एरिया है और फिर ये इंडिया का इलाका हो गया और इधर पाकिस्तान है। पी फॉर पाकिस्तान, आई फॉर इंडिया। तो इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि उस समय तो दो अलग अलग नहीं थे ना कंट्रीज, उस समय ये जो है सिविलाइजेशन यहाँ पे बहुत फली फूली थी। क्योंकि आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर देखिए ये कितनी सारी रिवर्स है, रिवर के आसपास ही सिविलाइजेशन ज्यादातर फैलती है। सिविलाइजेशन मतलब लोग जो वहां रहते हैं, सेटल हो जाते हैं एक जगह पे और अपना खाने पीने का इंतजाम कर लेते हैं थ्रू फार्मिंग के द्वारा या किसी और तरीके से एक जगह सेटल होके नदी के किनारे। दैट इज कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक पहचान थी कि इतने सारे रिवर्स है, रिवर्स के आसपास ये फली फूली। तो चलिए समझते हैं। अबाउट 80 ईयर्स एगो आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि इस साइट को, रियलाइज किया कि दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज, मतलब ये सब कॉन्टिनेंट में पुराने सिटीज में से एक सिटीज है। एज दिस वाज फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, अतः अगर कहें कि पहली सिटी जिसकी डिस्कवरी हुई, सारे साइट्स देखे गए फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स, जहां जहां यहाँ पे देखा गया सब इलाकों में, तो यहाँ पे सिमिलर बिल्डिंग्स थी, पाई गई एक जैसी इमारतें, तो इसीलिए इनको हड़प्पा कहा गया। और ये जो सिटीज का डेवलपमेंट हुआ था 4700 ईयर्स एगो हुआ था ये, यानी ये इतनी पुरानी सभ्यता है, सिविलाइजेशन है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, देखिए ये सिटीज जो है पाई गई हैं, पंजाब और सिंध इलाका है पाकिस्तान में, इंडिया का गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और इंडिया का पंजाब, एक पंजाब पाकिस्तान में भी, एक इंडिया में भी है, ठीक है बच्चों। नाउ मैनी पार्ट ऑफ दी सिटीज अगर देखें तो वो डिवाइड हो चुके हैं टू और मैनी और मोर पार्ट्स में। तो यूजुअली पार्ट्स टू वेस्ट आर स्मॉलर, जो वेस्ट पार्ट है स्मॉलर है बट हाइयर है, ऊंचे इलाके पे है। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब करते हैं कि ये सिटाडल होगा ऊंची जगह पे। जनरली द पार्ट ऑफ ईस्ट वाज लार्जर, देखो जो ईस्ट का पार्ट होता था, इनका दो पार्ट होते थे सिटीज के, एक ईस्ट और एक वेस्ट। तो ईस्ट पार्ट जो है बड़ा तो होता था लेकिन लोअर इलाके पे होता था, और वेस्ट पार्ट छोटा होता था और वो अपर इलाके पे होता था। तो जो लोअर इलाके में पार्ट था इन शहरों का, उसको लोअर टाउन कहते हैं। और यहाँ पर वॉल्स जो है ब्रिक पकाई जाती थी ईंटों की, और फिर एंड वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट, हर पार्ट के चारों तरफ जो है ईंटों की दीवारें, यानी ये पता चलता है हमें कि उन लोगों को ईंटों का ज्ञान था, ईंटें कैसे बनेंगी, है ना। ब्रिक्स मिली है, ब्रिक्स इतनी बढ़िया तरीके से पकाई गई है कि वो इतने सालों तक, हजारों सालों तक चल रही है, आज भी हम देख सकते हैं उनकी ईंटों को वहां पे जाके। तो ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न, इस तरह से लगाया गया है कि वो आपस में इंटरलॉक करती हैं और जो वॉल्स बनी उनसे बहुत ही स्ट्रांग बनी। तो ये है एक छोटी सी शुरुआत, इंट्रोडक्शन, कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है और कौन कौन से स्टेट में ये है, ठीक है, उनके आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फिगर 1 को देखना है ध्यान से, ये फिगर है आपके सामने, और राइट द नेम ऑफ मेजर सिटीज, हड़प्पन सिविलाइजेशन की मेजर सिटीज के नाम लिखने हैं। तो हड़प्पा है एक, तो
कालीबंगन, चौंदड़ो, मोहनजोदड़ो और लोथल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बारी। टेल अस अबाउट आर्किटेक्चर, जो वहां की सिटीज है उनके बारे में बताना है आपको, ठीक है। वहां की आर्किटेक्चर, तो मैंने बताया ना सिटीज दो पार्ट में डिवाइड थी, कौन कौन सी, एक ईस्ट और वेस्ट। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो वेस्ट पार्ट है वो स्मॉलर था लेकिन ऊंचे इलाके में था, और जो ईस्ट पार्ट है बड़ा था लेकिन लोअर में था, उसको लोअर टाउन कहते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आप ईंटों के बारे में भी बता सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर दो का आंसर है, ये पूरा आप लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स में लिख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं। तो ये है वहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में बात हो रही है, वहाँ का पैटर्न बात हो रहा है कि सिविलाइजेशन किस तरह की थी, डेवलप थी, देखिए सिविलाइज लोग थे ना, कहते ना। और सिविलाइज ही क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि वहां पे बिल्कुल तरीके से मैनर से शहरों को बसाया गया, बिल्कुल हॉटस्पॉट का टाइप नहीं है, ये सिविलाइज लोगों की ही निशानियां हैं। तो आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एडवला पॉइंट, एंड साथ में वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेगा। टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं।